नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। ये ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में। आज वार्ड नंबर एक के संभावित प्रत्याशी बसपा के से जानकारी करते हैं और मुलाकात करते हैं। आइए, उन्होंने विकास कार्य क्या क्या किया है। ये जिन्होंने यहाँ पर जो है संभावित प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है और वो मेरे बीच में चाहिए, उनसे एक साक्षात्कार में जानते हैं किस तरीके की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। और वो यहाँ नगला मान सिंह जो है उसकी विशेषता यह है कि वो नंबर वार्ड नंबर एक भी है और पहली बार उस पर पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। आइए उनसे जानना चाहते हैं। गौतम जी, ये सौभाग्य की बात है कि अलीगढ़ जनपद में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और नगला मानसिंह किसी जमे प्रधानी इसके नाम से जानी जाती थी, आज यहाँ चुनाव होने जा रहा है, निकाय चुनाव होने जा रहा है और जो पणसीमा लागू हुआ है ये लॉटरी से लग गई है कि जो नगला मानसिंह है वो वार्ड नंबर एक से ही शुरुआत हुई है उसकी। ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है और पहला चुनाव होने जाना। विनोद जी, किस तरीके का माहौल की तैयारियां हैं सर इस समय? जो ये वार्ड पहले एक नंबर वार्ड जो बनाया है नगला मानसिंह के नाम से, तो हमारी पब्लिक की डिमांड पर और ये निर्णय लिया गया कि सब हम एक नंबर वार्ड से प्रत्याशी बने और उसी सिलसिले में हमारी कार्य जो काम है वो आगे बढ़ा हुआ है। और इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से हमें आशीर्वाद मिले, उसके द्वारा हम यहाँ पे मनोनीत होकर और आए और पब्लिक के बीच में उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान करें, निस्तारण करें और इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा विनोद जी, जिस तरीके से आपने जो है संभावित प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहे हैं और चुनाव होने वाला है, सीधी घोषणा होने वाली है, समय नजदीक आता जा रहा है, तो जो क्षेत्र की जनता उसका क्या आशीर्वाद है आपके साथ? नहीं, पूरा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक की डिमांड पे तो हम आए ही हैं, कोई हमारा ये नहीं है कि घर से निकले और इलेक्शन के लिए चल दिए, पब्लिक डिमांड पे आए हैं सब। तो इलाके में आपकी चर्चा है? बिल्कुल सब, अब सर्वे कीजिए, देखिए आप चारों तरफ जाके। तो जो चुनाव की जो प्रेरणा आपको मिली है जी, तो ये क्या कोई विरासत में चली आ रही है या आपने जो है समाज के सहयोग से ये प्रेरणा मिली? जी नहीं, मेरे को विरासत में नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक आम आदमी हूँ, अपना छोटा मोटा काम है, मेरा बिजनेस है छोटा मोटा और उसी के द्वारा अपने परिवार पालता हूँ। लेकिन पब्लिक की डिमांड, जो पब्लिक चाहती है कि यहाँ एक ऐसा बंदा आए जो कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो अब तक विकास रुका हुआ था, जो कि हमारे यहाँ पोखर है वो पानी का निकासी नहीं, पब्लिक बेचारी इतनी परेशान है, डेंगू मच्छर हो रखे हैं वहाँ दुनिया भर के और पानी की निकासी घुटनों खींच रहती है हमारे यहाँ पे। हम चाहते हैं कि उसका समाधान किया जाए और उसी सिलसिले में पब्लिक हमें लेके आ रही है कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। अच्छा, आपने बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी क्यों, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं की? सब मैं बहुजन समाज का एक सच्चा सिपाही हूँ और बहन मायावती जी का पक्का अनुयायी हूँ और इसी चीज को लेके मेरा अपना पूरी श्रद्धा है बहुजन समाज पार्टी में और मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी या बहन जी मेरे को आशीर्वाद जरूर देंगी और उससे अपना उनका काम आगे बढ़ाऊंगा मैं। अगर आप चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए तो जनता के लिए क्या करेंगे नगला मानसिंह के लिए? जनता के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की निकासी है हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है और पानी का जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो बहुत बड़ी समस्या है और हमारे यहाँ कुछ ये बहुत सारी चीजें जैसे सट्टा है, हमारे यहाँ जो सट्टे होते हैं ना जुआ सट्टा और ये जो नशील पदार्थ और ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनका खात्मा करना, उनको खत्म करना है यहाँ से, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जीतने के बाद। जी जी, उन्होंने कहा है कि बहन जी और क्षेत्रीय लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है और मैं जो शीघ्र यहां से चुनाव जीतकर दिखाऊंगा। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ।